उषा जैनम एलोरेस 75 वॉट स्विंग मशीन, ये वही है जो एक टिपिकल भारतीय परिवार में आवश्यक है। एक मशीन जो कुछ बुनियादी कार्य कर सकती है और जिसका उपयोग एक महीने में कुछ बार किया जाएगा। इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे बेचता है। सिलाई मशीन 12,000 और 500 रुपए की है। आप इसे निश्चित रूप से बेहतर और कम कीमत पर प्राप्त करेंगे यदि आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीदते हैं। इस मशीन में भी शानदार विशेषताएं हैं। मशीन स्वचालित जिगजैग है जिसमें एक फ्री आर्म होती है जो आपके द्वारा सिलने वाले कपड़े के बेहतर स्थान के लिए होती है। दो डायल है, एक डायल पैटर्न प्रकार का चयन करता है और दूसरा डायल सिलाई की लंबाई भिन्नता को निर्देशित करता है। बिल्ट इन टाके 13 की संख्या में है जो कम व्यावसायिकता वाले घर के लिए पर्याप्त है। स्ट्रेच स्टिचिंग, बटन फिक्सिंग, रोल्ड हेमिंग, सैटिन स्टिच, जिप फिक्सिंग और स्मोकिंग जैसे 21 एप्लीकेशंस उपलब्ध है। बॉबिन के ऑटो ट्रिपिंग के लिए भी एक सिस्टम है। बटन होल सिलाई भी उपलब्ध है। ये एक 4 चरण प्रक्रिया है। वास्तव में एक सिलाई लैंप भी है। उत्पाद 2 साल की वारंटी के साथ आता है। सिलाई की गति 550 SPM है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड का नाम मशीन के लिए चमत्कार करता है, लेकिन अपने आप में विशेषताएं आकर्षक है। मशीन के साथ आने वाले कुछ अलग प्रकार के प्रेशर फुट और बॉबिन भी है। इसके साथ सुइया एक पैकेट भी उपलब्ध है। एक और उपकरण दिया गया है जो सुई को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर सुई बेंड हो जाती है या यदि आपको इसे बदलने की आवश्यकता है तो एक्सटेंशन टेबल है जिसे आप मशीन में अपने हाथों का बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए निकाल सकते हैं। दो रॉड्स है जो उनके कंपार्टमेंट में दिए जाते हैं। उनका उपयोग इसमें एक धागा डालना है। एक डबल सिलाई पैटर्न भी उपलब्ध है। सिलाई को लॉक करने के लिए एक बटन है। ये मूल रूप से सिलाई की दिशा को उलट देता है। एक और डायल है जिसे जब खींचा जाता है तो बॉबिन को एक्सेस करने की अनुमति मिलती है। ये पावर ऑफ बटन के साथ भी आता है। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। सिंगर 8280 स्विंग मशीन, इस कृति को बाजार में 12,100 रुपए में बेचा जाता है। हालांकि यदि आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीदते हैं, तो आप इसे अमेज़न पर कम दरों पर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। अगर आप अमेज़न से खरीदारी करते हैं, तो नो कॉस्ट EMI भी उपलब्ध है। ये सिलाई मशीन 2 साल की वारंटी के साथ आती है और इन थ्रेड कटर के साथ आती है जो प्रेशर बार मौजूद होती है। एक एक्सटेंशन टेबल भी है जहां आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सिलाई उपकरण स्टोर कर सकते हैं। डिवाइस में एक ऑसिलेटिंग शटल मैकेनिज्म हाफ शटल भी होता है जो आसानी से पोर्टेबल हो जाता है क्योंकि यह बेल्ट हैंडल में आता है जिसे आप इस मशीन को उठाने के लिए उठा सकते हैं। निचले दाएं कोने पर मौजूद डायल, ये डायल आपको जो कुछ भी सिलाई चाहिए उसके बदलने की सुविधा देता है। ये मशीन बटन होल सुविधा भी प्रदान करती है। इसका मतलब है कि आप इसके मटेरियल को खराब किए बिना या कपड़े के पाड़े बिना कपड़े में एक बटन होल सेट कर सकते हैं। इस डायल के शीर्ष पर सिलाई लंबाई का डायल है। ये डायल आपको सिलाई के लिए जो भी लंबाई पसंद है आपको चुनने देगा। फ्री आर्म प्राप्त करने के लिए एक्सटेंशन टेबल को हटाया जा सकता है ताकि जब आपको फ्री आर्म की आवश्यकता हो तो आपके लिए सिलाई करना आसान हो। मशीन के शीर्ष पर स्थित थ्रेड टेंशन डायल है। ये आपको ये स्पेसिफाई करने देता है कि आप कितना धागा खींचना चाहते हैं। एक प्रेशर फुट लिफ्टर भी है जिसे आप कपड़े उतारने के लिए उठा सकते हैं जब आप सिलाई नहीं कर रहे हो तब। ये मशीन भी एक फुट कंट्रोलर के साथ आती है। आप बस उस फुट प्रेशर को मशीन से जोड़ते हैं। इसके लिए मैन्युफैक्चरर विशेष पोर्ट और केबल प्रदान करते हैं
जितना अधिक आप प्रेशर फूड दबाते हैं उतनी ही अधिक गति प्राप्त होती है। स्वीप प्लेट के पास भी स्टिंग गाइड है ताकि आप कुशलता से किनारों को माप सके। एक और डाल है जो सुई को नीचे या ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक स्क्रू दिखने वाला बटन है जो प्रेशर फूड के दबाव को नियंत्रित करता है। आप इसे क्लॉकवाइज और इसके विपरीत घुमाकर फूड प्रेशर का दबाव बढ़ा सकते हैं। YouTube पर एक डेमो भी है जो सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। आपको इस मशीन को कैसे चलाना चाहिए ये भी दर्शाता है कि रेक्टेंगुलर छेदों में से एक में एक इलास्टिक लगाकर और एडजस्ट करके आप एक इलास्टिक को फाइबर की तरह एक प्रोफेशनल की तरह भी सिलाई कर सकते हैं। ये वीडियो सफलतापूर्वक प्रदर्शन करती है कि कैसे आप एक ही रंग और कपड़े सामग्री का एक टुकड़ा रखकर कपड़े में छेद या पैच को ठीक कर सकते हैं। इसे इनसाइड आउट सिलाई करें ताकि बाहर रूप नया जैसा अच्छा हो। उस यूट्यूब सिंगर 8280 स्विंग मशीन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आता है। ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से मशीन के प्रत्येक भाग को बताता है कि आपको मशीन का उपयोग कैसा करना चाहिए। इसके हल्के स्वभाव और कॉम्पैक्ट आकार जैसी अतिरिक्त सुविधाएं एक प्लस पॉइंट है। खैर, चूंकि ये सूची में कम है, हम इसकी तुलना उपरोक्त मशीन से करेंगे। यदि आप शुरू कर रहे हैं और आपको ऐसी मशीन की आवश्यकता नहीं है जिसमें बहुत अधिक विशेषताएं हैं और बस आपके मूल काम करता है, तो ये मशीन आपके लिए बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल के लिए हालांकि ये बहुत बुनियादी है। केवल 7 स्टिचेस उपलब्ध है जो अन्य उच्च तकनीक मशीनों की तुलना में बहुत कम संख्या में है। अफोर्डेबिलिटी बहुत है, लेकिन फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी एक प्रश्न है। हालांकि ये एक ऐसे घर के लिए एकदम सही है जिसमें हफ्ते में एक या दो बार सामान्य सामान की सिलाई की आवश्यकता होती है। इस मशीन में 4 स्टेप बटन होल भी है। इस तथ्य के साथ एक फ्रंट लोडिंग बॉबिन सुविधा है। ये 85 वॉट बिजली की खपत करता है क्योंकि इसकी मोटर 85 वॉट की है। मशीन का वजन सिर्फ 6.2 किलोग्राम है, इसलिए इसकी पोर्टेबिलिटी अधिक है। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें।